प्रिय भाई और बहनों आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत कर सुन लो मेरे भाइयों मसी जी मेरा दुनिया में आया सुन लो मेरे बहनों मौसी जी मेरा दुनिया में आया दुनिया में आया छाया बचाने ईशु दुनिया में आया पापी को तो आन बचाया बचाने ईशु दुनिया में आया आज का संदेश प्रफु के दास नेल्सन थॉमस तो मुंबई से बांटा जाएगा प्रार्थना के साथ सुनिए प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे अध्याय चैप्टर 17 क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए प्यारो यीशु मसीह निकोदेमो से बातें कर रहे हैं निकोदेमोस यहूदियों के बीच में एक फरीसी है गुरु है अधिकारी है उनसे बार बार यीशु ने इस बात को समझाया बताया कि उन्हें नया जन्म लेना अवश्य है उस विषय को समझाते हुए यीशु ने यह भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह का ही सूली पर मृत्यु उठाना अवश्य है कि जो कोई इस पर विश्वास करेंगे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए उस संबंध में यीशु मसीह बातचीत आगे बढ़ा रहा है सत्रवा पद में इस बात को जोर देकर बताते हैं परमेश्वर पिता ने ईशु मसीह को इस संसार में किस बात के लिए भेजा उनका आगमन का उद्देश्य क्या है ये बात सुसमाचार के अलग अलग पुस्तकों में बार बार ईशु मसीह बताया गया है यहूदी लोगों के बीच में उनका विचार और आशा ये था उनका मसीहा आएगा अन्य जातियों को पाप के कारण उनके गुनाहों के कारण मसीहा सजा देगा आज यहूदी लोगों को जो सताते हैं उनको दंड देगा और यहूदी लोगों को इसराइली लोगों को छुटकारा देगा उद्धार देगा लेकिन यीशु मसीबत बताते हैं परमेश्वर पिता ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराएं दंड देने के लिए मुझे भेजा नहीं मुझे भेजा है कि मेरे द्वारा लोगों को संसार को उद्धार मिले मुक्ति मिले ये बात को मन में रखना है दुनिया के लोग या संसार जरूर पाप का दंड उठाना है दोषी ठहराने के लिए न्याय पाने के लिए या दंड भोगने के लिए मनुष्य जाति और सारी दुनिया योग्य है क्योंकि सारे लोग मनुष्य लोग पाप किया है परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया है परमेश्वर के नियमों को तोड़ डाला है परमेश्वर से दुश्मनी में रहते हैं इस वजह से जरूर वो न्याय की आवश्यकता है न्याय का योग्य है दंड के योग्य है हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम सत्र अध्याय का यीशु मसीह ही वो न्याय करेगा यह बात को हम वचन में पढ़ते हैं लेकिन यीशु मसीह यहां बताता है यह हमें समझने की आवश्यकता है 2024 साल पहले पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में जब भेजा उसका उद्देश्य दंड देना नहीं था दोष लगाना नहीं था बल्कि उसको बचाना है मनुष्य जाति को गुणेगार लोगों को दंड के योग्य लोगों को श्रापित लोगों को परमेश्वर के सामने दुश्मन लोगों को निर्बल लोगों को आनंद जीवन देना ईश्वरीय जीवन देना और उनके मन में शांति समाधान आशा भरना ये परमेश्वर का उद्देश्य था इसके लिए मसीह संसार पर आया देखिएगा परमेश्वर का कितना गहरा प्रेम है उनके हृदय में मनुष्य जाति के प्रति क्या अनुग्रह क्या दया क्या करुणा भरा हुआ है कि वो हमारा उद्धार चाहते हैं हमारा नाश नहीं चाहते हैं हमारा दंड नहीं चाहते हैं हमारे ऊपर श्राप नहीं चाहते हैं प्यारो परमेश्वर का प्रेम और दया और करुणा कितना अपरंपर है कितना अवर्णनीय है देखिए दुख की बात है आज चारों तरफ आप देखिएगा मनुष्य जाति दूसरे मनुष्यों के ऊपर कैसा दोष लगाते हैं कमजोर लोगों को गिरा हुआ लोगों को या गुनेगार लोगों से आपको दिखता है कोई दया क्या मनुष्य लोगों के बीच में गुनेगारों को कमजोर लोगों के सामने दया दिखाते हैं कोई भी इन दिनों में ही आप पेपर में पढ़ा होगा हमारे अधिकारियों ने एक इंसान को जेल में दस साल रखा अब दस साल के बाद अदालत ने घोषणा किया ये निर्दोष है दस साल एक एक निर्दोष व्यक्ति को बंद गृह में रखा अब अदालत बताते हैं निर्दोष है इस प्रकार की परिस्थिति हमारे चारों तरफ होते हैं बिल्कुल दया करुणा सहनशीलता मुआफी प्रेम मनुष्य दूसरों मनुष्यों को दिखाता नहीं इस परिस्थिति में हमारे हृदय को तसल्ली मिलना चाहिए आश्वासन मिलना चाहिए हमारा परमेश्वर दया करने वाला प्रभु है करुणा में प्रभु है वो दोषी लोगों के ऊपर बहुत सहनशीलता से दया से व्यवहार करते हैं जो करेसो समाचार अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि फरीसी के घर में यीशु मसीह भोजन के लिए जाते हैं वहाँ उस शहर के एक पापिनी स्त्री वहाँ आते हैं और किस तरीके से लोग वहाँ उस स्त्री को देखता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं उसका लू का सात का अड़तालीसवा पद में तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। पचासवा पद में बोलते हैं तेरे विश्वास ने तेरे उद्धार किया है कुशल से चले जा उसी प्रकार युहन्ना का आठवां अध्याय में भी एक उदाहरण हम देख सकते हैं कुछ फरीसी लोग यहूदी लोग एक स्त्री को पकड़ कर लेकर आते हैं यीशु मसीह के पास बोलते हैं हमने इसको विभिचार में पकड़ा गया है आप आदेश दीजिएगा कि हम उसको पतराव करके मार डाले प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं तुम्हें से जो पाप नहीं किया है निर्दोष है वो पतराव करना शुरू करे लेकिन किसी को भी करने का हिम्मत नहीं था और अंत में यीशु मसीह ग्यारहवा पत्न बोलते हैं मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता जा अब फिर से पाप ना करना प्यारो यीशु मसीह दोष लगाता नहीं दुनिया में बुरे लोगों को गुनाह किया हुआ लोगों को माफ करने को क्षमा करने को दया दिखाने को जब कोई नहीं है हमारे हृदय के अंदर की गुनाह को हटाकर हमारे ऊपर दया करने के लिए प्रभुष मसी शक्तिशाली है दयावान है करुणावान है प्रेरित पौजल उसने अपनी पत्रिका में ऐसा कहते हैं पहली तिमत्ती पहला अध्याय का पंद्रहवा पद में यह एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है कि मशीशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया मसीषु पापियों का उद्धार करने आया जिनमें सबसे बड़ा हूं कितना भी खोर पापी हो बड़ा पापी हो यीशु मसीह आपसे दया करते हैं करुणा करते हैं इसी वजह से पत्रस प्रेरित ने विरोधियों के सामने खड़े होकर घोषणा किया विरोधियों के बीच में घोषणा किया किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए बस जाए प्रेरितोंगे कामचार का बार वहा पत्ने प्यारो ये हमें नहीं भूलना है प्रवेश मसीह मनुष्यों के पाप के अनुसार उसको दंड नहीं देता उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पापों को अनदेखा किया हम वचन में इस बात को बार बार पढ़ते हैं यीशु ने कहा भी है पत्रस ने ऐसा कहा पहला पत्रस का दो चौबीस में उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया जिसे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो प्यारो मसीह हमारे पापों के लिए मृत्यु का दंड उठाया प्रायश्चित का बलिदान हो गया हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया इसलिए हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारे पापों की क्षमा होता है दया होता है इसलिए हम लोग पढ़ता है जो आज यीशु मसीह में है उसके ऊपर दंड किया गया नहीं है यीशु मसीह निकोदेमोस को इस बात समझाता है जो कोई मसीह यीशु में है उनके ऊपर पाप की क्षमा उनके ऊपर पाप का दंड नहीं उनको पाप की क्षमा है अंध में ये भी बोलकर बंद करता है जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी ना टहराया जाता जो विश्वास नहीं करता वो दोषी टहराया जा चुका है कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया ये मेरी प्रार्थना है ये मेरी बिंदी है प्यारो आपका परिस्थिति आज कुछ भी हो आप कितना भी गुणगार कमजोर नलायक इंसान हो पापों को कबूल करेंगे आपसे प्रेम किया हुआ प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे आपके लिए क्रूस पर अपने पाप के उठाया हुआ यीशु मसीह को विश्वास करेंगे आपको पाप की क्षमा मिलेगा शांति और समाधान मिलेगा मेरी प्रार्थना और आशा है कि आपके हृदय में इस पाप की मुआफी समाधान शांति का जीवन अनुभव करने के लिए बेस्ट जाने के लिए प्रभु आपको सहायता करें प्रभु के नाम की महिमा हो